ज्वालामुखी उपमंडल में 20 अप्रैल के बाद कुछ रियायतें दी गई हैं। ये बात एसडीएम ज्वालामुखी अंकुश शर्मा ने बताई। उन्होंने बताया कि किसी का सिविल कार्य अगर छूटा हुआ है तो वह उसको करवा सकता है, पर 4 से ज्यादा लेबर नहीं लगेगी। लोकल लेबर का ही इस्तेमाल किया जाएगा। जो भवन निर्माण सामग्री पड़ी है उसी का प्रयोग किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि फसल कटाई की जा रही है, जो सोशल डिस्टेंसिंग के नियम है उनको पालना करना अति आवश्यक माना गया है। साथ ही मोबाइल रिपेयर व आईटी की दुकानें भी समय समय पर खुलेंगी। वेल्डिंग व टायर पंचर की दुकानों को खोलने की छूट भी दी गई है, पर जहां तक संभव हो सकता है घर में रहें और आवश्यक कार्य के लिए ही निकलें। उन्होंने कहा कि घर से निकलने पर मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है और वाहनों का प्रयोग वर्जित है। बाकी किसी भी सहायता के लिए प्रशासन कार्यालय में वे संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना के चलते हर बात का ध्यान रखना जरूरी है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा घरों में लोग रहें और सभी जागरूक रहें। देखिए, जो अभी 20 तारीख से नई गाइडलाइन आई है, उसके अनुसार पहले वाली व्यवस्था में थोड़ी सी और छूट दी गई है। जैसे कि अगर कोई छोटे मोटे काम है, सिविल वर्क से, वो आदमी करवा सकता है। आप मानिए कि जैसे आपने पहले काम करवाया था, करवा रहे थे और लॉकडाउन शुरू हो गया, कुछ मटेरियल आपके घर में बचा हुआ था, तो एक ऑप्शन है कि अब आप उस काम को शुरू करवा सकते हैं। लेकिन वो है कि 4 से ज़्यादा बंदे वहाँ पे ना हो और बाहर से आप मटेरियल नहीं ला पाएंगे, तो मीनिंग देयर वाई कि जो कैप्टिव लेबर है और जो इन सीटू आपके पास मटेरियल है, जो साइट पे मटेरियल है, उसके साथ ही आप उस काम को करवा पाएंगे, को बाहर से मटेरियल नहीं ला पाएंगे। इसके अलावा जैसे मोबाइल रिपेयर शॉप्स हैं या कोई आईटी सेक्टर से रिलेटेड और शॉप्स हैं या वेल्डिंग शॉप्स हैं, वो खुली रहेंगी। लेकिन फिर भी ओवरऑल इसेंस यही है कि जहाँ तक आवश्यक ना हो, लोग घर से ना निकलें, और घर से तभी निकलें अगर अति आवश्यक हो। इसके अलावा क्योंकि हार्वेस्टिंग का सीज़न है, फसल कटाई का है, तो फसल कटाई का काम भी लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए करें, और किसी भी समस्या के बारे में अगर कोई उनको लगता है तो प्रशासन को अवगत करवाएं। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को जो भी दिक्कतें आ रही हैं उनका समाधान हम उनको दे पाए। धन्यवाद।